चाणक्य IAS एकेडमी 29 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स एवरी ईयर 5000 प्लस सिलेक्शंस इन IAS IFS IPS एंड अदर सिविल सर्विसेज सो फार फॉर मोर डिटेल्स विजिट www.chanakyaiasacademy.com और कॉन्टैक्ट 7303763540। हिमाचल प्रदेश वन अकादमी सुंदरनगर में वन परिक्षेत्र अधिकारियों का 18 माह का प्रशिक्षण कोर्स का विधिवत दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इसमें प्रधान मुख्य अरण्यपाल VK तिवारी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस प्रशिक्षण शिविर में 5 राज्यों के 41 वन राजिक उपस्थित हुए। इसमें आयोजित हुई विभिन्न गतिविधियों में खेलकूद में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष वर्ग में विसंगरी श्रीकांत और महिला वर्ग में सोनल वर्मा रहे। यह जानकारी संयुक्त निदेशक तिलक राज शर्मा ने दी। जय हिंद, मेरा नाम अनुषा है, मैं आंध्र प्रदेश की बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे 18 महीने का जो कोर्स हुआ है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ट्रेनिंग का, तो यहाँ पे हमने 2021 में अगस्त में आए थे और अभी हमारा आज पासिंग आउट भी है और मुझे सफलता मिली हुई है कि 18 महीनों में मुझे गोल्ड मेडल मिला हुआ है, मुझे बहुत खुशी की बात है। इसी दौरान मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि इस एकेडमी ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, जैसे कि फॉरेस्ट्री के, क्योंकि मैं तो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हूँ, फॉरेस्ट्री के दौरान इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिला है और बहुत सारे हॉफ PCCF APCCF इतने अच्छे प्रकार के विभिन्न विभाग के लोग आते थे, हमें पढ़ाते थे और इतनी अच्छी एक्सपोजर मिली हुई है जिसकी वजह से आज इस सफलता मिलने में बहुत प्राप्त हुआ है। और इस एकेडमी ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, जैसे कि प्लेग्राउंड, हमारी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी हो गई है और हमारी जैसी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी बहुत होते हैं, डांसिंग सिंगिंग और बहुत तरीके के जो भी इकट्ठे चलने की एक दिशा होनी चाहिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिस के बारे में बहुत लोग बोलते हैं। और इसी दौरान हमने पूरा इंडिया की घूम लिया है, जांच कर ली कि कहाँ कहाँ पे कितने अच्छे से फॉरेस्ट्री होती है, किस प्रकार के प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसको कहते हैं, कितने प्रकार के जूलॉजिकल पार्क्स हैं, बोटानिकल गार्डन्स हैं, नर्सरी टेक्निक्स हैं, इन सब की चीज़ों में मतलब एक 18 महीने के कोर्स के बाद ना एक पूरी तरीके फॉरेस्टर बना दिया है इस हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट एकेडमी ने। इसके लिए मैं धन्यवाद हूँ अपने स्टेट के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे हमको भेजा गया है ये फॉरेस्ट ऑफिसर रेंज ऑफिसर ट्रेनिंग करने के लिए और सफलता मिली हो, बहुत खुशी है। दुआ करती हूँ कि हर बैच यही प्राप्त करें और इससे अच्छे भी हो जाएं वो लोग। थैंक यू जी। प्राथमिकताएं क्या रही हैं? मेरा बैकग्राउंड है BTech सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हूँ। सो हमने 2018 में एग्ज़ाम दिया हुआ है, 2021 हमारी पोस्टिंग हुई है और यहाँ पे उन्होंने दिया। आने वाले समय में जंगलों के लिए जैसे देख रहे की जंगल कम होते जा रहे हैं, हाँ। और वहाँ पे जो जानवर हैं या लोगों में काफ़ी इंटरेक्टेड होते हैं, तो क्या आपका क्या रहेगा इसको? इसके लिए हमें यही करना है कि जागरूकता बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि लोगों को इकट्ठे के चलने के, उनके अंदर ना एक फॉरेस्ट्री के अंदर ना एक प्यार पैदा करना है, मतलब फॉरेस्ट्री हमारा है और हमारे आगे वाले आने वाले जितने भी वंश हैं, उनके जनरेशन हैं, उनको सबको दिखाना है कि हाँ एक टाइम ऐसा नहीं कि एक टाइम पे स्नो लेपर्ड था, एक टाइम पे लायन था, अभी हमें इसको कंजर्व करने के ज़रिए ये प्रैक्टिसेस, मतलब लोगों को इसके डिपार्टमेंट के थ्रू लेके जाने का और इस डिपार्टमेंट में भी जहाँ पर भी कमी दिख रही है उसमें भी हमें लूप होल्स को फुल्ली एस्टैब्लिश करना और लूप होल्स को प्लग इन करना और फॉरेस्ट्री को बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए हर ऑफिसर को। तो ये होगी मेरी राह। परिवार में इकलौती हूँ, मेरे पापा फौज में काम करते थे, इंडियन नेवी, अभी तो रिटायर्ड हैं, मेरी मम्मी हाउस वाइफ हैं, तो दोनों ने बहुत ही सपोर्ट किया हुआ है जिसके कारण अभी ऑफिसर पिटिया बन गई। और आगे की ये मैसेज भी जाता है कि हर घर परिवार में लड़की को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पर्यावरण के लिए क्या आपकी अपेक्षा रहेंगी? पर्यावरण के लिए यही है कि हम पहले हमारे घर से शुरू करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक रोकना, प्लास्टिक की इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करना और जहाँ पे भी जाते हैं पेड़ पौधों को मतलब वो अपने परिवार की तरह देखना है। इसी वजह से हमें लोग दो तीन और भी लोग देखेंगे ऐसे प्रैक्टिसेस वहीं अपने घर पे भी शुरू करेंगे, तो इसके दौरान एक फुल मास मूवमेंट जैसा बन जाएगा और अवेयरनेस बन जाएगी। तो पर्यावरण बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरण के बिना तो आज ऑक्सीजन भी नहीं हो पाएगी, जैसे कि कोविड काल में हमें पता चला कि पर्यावरण की कितनी इम्पॉर्टेंस है। तो इसीलिए वैसी वाली सिचुएशन ना आए इंडिया में या फिर हमारे घर के आसपास में, हमें पर्यावरण को और रक्षा करनी चाहिए।
वो अलग बैकग्राउंड की तरफ से होनी चाहिए, चाहे नीचे हो या ऊपर हो, क्योंकि बहुत सारे हमारे टूर्स के जरिए भी हमने फॉरेस्ट गार्ड्स को मिले हैं जो रेंज ऑफिसर्स या डीएफओ से भी ज़्यादा काम करें। काम से मतलब होता है, पोस्ट तो बस नाम की चीज़ होती है, जिसको काम करना है वो छोटी बिना पद का भी कर लेता है। तो मेरा मानना ये है कि उनके बैकग्राउंड के हिसाब से, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, जिस पद में भी वो हैं, वो उनका पूरी की पूरी ड्यूटी लॉयल्टी और सेटिस्फैक्ट्री करें, देश बढ़ेगा इससे। भारत सरकार का धन्यवाद करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश को एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स की एकेडमी प्रदान की, और विशेष करके पर्यावरण और वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को यह मौका दिया कि हम पूरे देश से आए हुए विभिन्न राज्यों के प्रशिक्षुओं को हम तैयार करें, और यहाँ से उनको हिमाचल का अनुभव दे के भेजें। मैं खुद भी दूसरे कैडर से हूँ, और जब हिमाचल आता है आदमी तो एक कहावत है, यू कैन टेक एन ऑफिसर आउट ऑफ हिमाचल बट कैन नॉट टेक हिमाचल आउट ऑफ दैट ऑफिसर। आदमी बार बार आता रहता है, जीवन के सबसे सुखद क्षण यहाँ व्यतीत करता है, इस कारण से हिमाचल और उसके लोगों को भूल पाना असंभव होता है। तो मैं धन्यवाद के साथ ये भी कहूँगा कि ये हमारे लिए एक अवसर भी है कि हम एक विभाग के रूप में अपने आप को इनके सामने ऐसा प्रस्तुत करें कि पूरे भारतवर्ष में हिमाचल की छवि बने, हमारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की सब तरफ चर्चा हो, कि हम बॉयज़ एंड गर्ल्स को एक ऑफिसर्स के रूप में भेज सके, उनके परिवारों को भी हमारे द्वारा ट्रेंड लोगों को गर्व हो, और जिन विभागों में वो काम करें उन विभागों को भी ये देख के संतुष्टि हो कि ये हिमाचल के ट्रेंड हैं, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी फैकल्टी ने एकेडमी में बहुत अच्छा काम किया है, केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, इस समय कोई 41 बच्चे युवा, जो जितने लड़कियां भी हैं, उनको हमने कॉम्पिटेंट रेंज ऑफिसर्स में कन्वर्ट करके आज राष्ट्र के हाथ सौंपा है, और ये अपने प्रदेशों में जाके अपना तो नाम कमाएंगे ही, हमारी एकेडमी का भी नाम ऊंचा करेंगे, ताकि लोग कहें फ़ख्र से कि हिमाचल एकेडमी के ट्रेंड रेंज ऑफिसर्स हैं। तो हिमाचल के पास भी ये बड़ा सुनहरा अवसर है कि राष्ट्र में वैसे भी हमारी छवि अच्छी रही है, एक ग्रीन स्टेट के रूप में, एक ट्रेनिंग स्टेट के रूप में भी हम जाने जाएं, इस ये एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ, और मैं देख रहा हूं कि हम उस दिशा में बहुत हद तक कामयाब हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये एकेडमी एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस बनेगी, जहाँ लोग मांगेंगे, डिमांड करेंगे कि हमें इस एकेडमी में भेजो ट्रेन करने के लिए। सर, मैं तीन तरह की नीतियाँ अपनानी पड़ती हैं, एक लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म है और शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म में आप, मुझे याद है जब हमने नौकरी शुरू की थी तो हम एक्सक्लूसिव थे, लोगों को हम छोड़ के काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे तमाम प्रोजेक्ट से, तमाम विदेशी सहायता प्राप्त जो हमारे यहाँ परियोजनाएँ चलें, उनकी मदद से जो हमें ग्लोबल टेक्नोलॉजी, जो ग्लोबल स्किल्स प्राप्त हुए, उसमें धीरे धीरे ये जागरूकता आई, विशेष करके समस्त वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों में, कि जनता को साथ लिए बगैर वन प्रबंधन संभव नहीं है। वन नीतियों में भी धीरे धीरे परिवर्तन आता रहा कि भाई राष्ट्र के लिए आप सिर्फ रेवेन्यू जनरेट ना करें, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको साथ लेके चलें, प्रमुखता उनको, उनके सहयोग के बगैर यह प्रबंधन संभव नहीं है। तो उस सीख को आगे ले जाते हुए आप पाएंगे कि हमने कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया है, बहुत जगह जहां कम्युनिटीज़ जागरूक हैं, एक्टिव हैं, वहां वो वनों में आग लगने नहीं देते हैं, और लग भी जाए तो तुरंत बुझाने के लिए सामने आते हैं। ये तो हो गया, ये हमारे लिए शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म तीनों में काम करता है, और मुझे गर्व होता है कि जो हमने 1989-90 के आसपास ये प्रयास शुरू किए, आज वो बहुत अच्छे फल दे रहे हैं। जो पीछे रिपोर्टें मैं देखता था और जो नुकसान देखता था वनों की आग से होने वाला, बहुत हद तक कम हो गया है, ग्राउंड फायर ही लग रही हैं और नुकसान ना के बराबर होता है। तो
मीडियम टर्म में हम देखते हैं कि हमने फायर लाइंस का काम भी शुरू कर रखा है, हम ग्राउंड क्लियरिंग भी कर रहे हैं, कंट्रोल बर्निंग भी करते हैं, और पीछे हमने सॉइल मॉइस्चर को इम्प्रूव करने का प्रयास किया वनों में, जिसमें हमने तमाम चेक डैम पॉन्ड्स वगैरह बनाने का प्रयास किया, क्योंकि रिमोट एरियाज़ में पानी ले जाना संभव नहीं है, आग बुझाने के लिए उतनी जनता इकट्ठा कर पाना संभव नहीं है, तो बेहतर है कि उसको लगने ना दिया जाए। इस दृष्टि से हमने उन जंगलों में मॉइस्चर की रजीम इम्प्रूव करने की कोशिश की है, और इसके हमें आशातीत परिणाम प्राप्त हुए हैं। साथ में मैं प्रयास करूंगा कि हमने देखिए बहुत सारे एरियाज़ जो बैरन थे, वेस्टलैंड थी, उनको हमने प्लांटेशनों से कवर किया है, और चूंकि ये जिसको बोलते हैं ना डिफ़िकल्ट साइट्स होती हैं, कठिन है जिनमें पहली बार पौधा उगाना, तो जाहिर सी बात है कोई ऐसी प्रजाति उगानी पड़ेगी जो हार्डी हो, जो बायोटिक प्रेशर को विदस्टैंड कर सके, झेल सके, जो आग को भी झेल सके, तो चीड़ एक नेचुरल चॉइस थी। लेकिन जो प्रकृति में एक कहावत है, प्रकृति के मैनेजमेंट में हमें ट्रेनिंग में एक थंब रूल सिखाया जाता है कि नेचर टू बी कमांडेड मस्ट बी ओबेड, जिस प्रकृति के ऊपर आपने राज करना है उसके नियमों की अनुपालना बेहद ज़रूरी है। तो आप अगर प्रकृति में देखेंगे तो चीड़ के जंगलों में ब्रेक रहता है, जहाँ नाले हैं, जहाँ नमी वाले एरियाज हैं, वहाँ बांध होगी, दूसरी ऐसी स्पीशी होगी जो जंगल को दूसरी तरफ आग को बढ़ने नहीं देती है। तो मैं प्रयास करूँगा सिल्वीकल्चरल प्रैक्टिसेस का हम एक नीतिगत निर्णय ला सकें, हालांकि समय मेरे पास थोड़ा है, ऐसा नीतिगत निर्णय ला सकें जिसमें हम प्राकृतिक बैरियर क्रिएट कर सकें जो हमने बड़ी बड़ी चीड़ की प्लांटेशनें की हैं। दूसरा, एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश और दिया है कि भाई आप कंसनट्रेटेड प्लांटेशन करें, तो हम प्लांटेशन की डिज़ाइन में शुरू से ऐसा कर देंगे, प्रयास करेंगे कि कंटिन्यूस एक स्पीशीज ना हो, लोकल स्पीशी हो, फायर रेजिस्टेंट भी हो, और लोगों के काम की हो जो मॉइस्चर को बढ़ावा दें और आग को फैलने से रोकें। तो मैं समझता हूँ ये प्रयास सफल रहेंगे, लेकिन फिर भी प्रकृति का नियम है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सूखा भी पड़ जाता है, तमाम चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आग पूर्णतः नहीं लगेगी, या लगेगी तो हर समय बुझा ली जाएगी, लेकिन हमारा ये सतत प्रयास रहेगा कि ना लगने पाए, और अगर लग भी जाए तो हम लोगों की मदद से उसको बुझा सकें। और मुझे अपने स्टाफ पे, अपने कम्युनिटीज़ पे पूरा भरोसा है, और ये प्रायः देखने को मिला है जहाँ गार्ड वगैरह का एडिशनल चार्ज रहता है, या तीन तीन बीट कई बार वैकेंसीज आती रहती हैं फेजेज में, तो कम्युनिटीज़ बड़ा अच्छा रोल प्ले करती हैं, और हमने देखा है कि हमारे गार्ड और फील्ड स्टाफ, रेंज ऑफिसर एंड बिलो, ये इन्होंने भी सीख लिया कि बिना लोगों की सहभागिता के साथ ये नहीं हो सकता, स्टाफ की कमी को लोगों की सहभागिता के साथ किसी हद तक ओवरकम किया जा सकता है, रिप्लेस तो नहीं कर सकते हैं। सर, विभाग में कुछ कर्मचारियों की कमी भी चल रही थी, तो इसको लेकर सरकार से क्या रहेगा? पहले तो मैं ईश्वर का और सरकार का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उन्होंने ये अवसर दिया, हालाँकि ये अवसर मुझे 1 अक्टूबर 2021 से प्राप्त था, जब मैं यहाँ की वरिष्ठता सूची में क्रमांक 1 पे आ गया था, लेकिन मेरे अपने पारिवारिक हालात ऐसे थे, मेरी वृद्ध 90 साल की माता साथ रहती हैं, दिल्ली में मैंने पोस्टिंग ली थी जहाँ मैं कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव था, तो अपने पारिवारिक कारणों से मेरा बेटा भी उन दिनों पढ़ाई कर रहा था, तो मैं यहाँ नहीं आ सका, और मैंने लिख के भेज दिया था कि अभी मैं नहीं आ सकूँगा। और मैं धन्यवाद करूँगा विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, हिमाचल प्रदेश सरकार का, कि मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा होने के बावजूद उन्होंने मुझे मौका दिया। इस 1 महीने में मैं कोई बहुत बड़े निर्णय करा के लागू कर सकूं, मैं ऐसा नहीं देख सकता, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हमें निर्देश लगातार प्राप्त हुए हैं कि हम रिक्तियों को चरणबद्ध तरीके से अवश्य पूरा करेंगे, एक बार में करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि मैं HRD में भी काफ़ी देर काम किया हूँ, मैं पावर कॉरपोरेशन में निदेशक कार्मिक भी रहा हूँ, इकट्ठा भर्ती कर लेने पर प्रमोशन की एवेन्यूज़ इकट्ठा नहीं आ पाते, फिर इकट्ठा रिटायर भी हो जाते हैं, और रिटायर होंगे आज से 30 साल बाद 35 साल बाद, उस समय स्थिति क्या हो कि हम सारे इकट्ठा भर्ती कर सकेंगे कि नहीं, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं भी चाहूँगा कि चरणबद्ध तरीके से भर्ती हो, और जो कमी है स्टाफ की उसको हम टेक्नोलॉजी से की मदद से पूरा करने की कोशिश करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैं माइनिंग सेक्टर में काम किया है, मैंने कोयला सेक्टर में काम किया है, मैंने जनजाति कार्य मंत्रालय में काम करते हुए टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत लिवरेज किया है, और मुझे खुशी हुई है कि मेरे यंगर स्टाफ में, मेरे जो नौजवान सहयोगी हैं, उनमें टेक्नोलॉजी के प्रति बहुत जागरूकता है, टेक्नोलॉजी के प्रति बड़ी जिज्ञासा है, और टेक्नोलॉजी को लागू करने के प्रति कटिबद्धता दिखती है,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम टेक्नोलॉजी की मदद से काफ़ी हद तक स्टाफ की कमी को पूरा कर सकेंगे, लेकिन स्टाफ जो बूट ऑन ग्राउंड कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाई ड्रोन और कंप्यूटर वील्डिंग पर्सन, उस चीज़ को भी हम रिकग्नाइज करते हैं और जहाँ जहाँ क्रिटिकल है, जहाँ जहाँ अति आवश्यक है, वहाँ हम अवश्य लोगों को लगाएंगे। थैंक यू सर। कि FRA तो 2007 में बना उन प्रदेशों के लिए जहाँ राइट वाइट लोगों के नहीं थे, लेकिन हिमाचल तो वो है जो 1896 से लेकर करता रहा। हिमाचल में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ फॉरेस्ट सेटलमेंट ना हो रखा हो, लोगों को राइट ना मिलते हो, सब लोग TD जानते हैं। वो है क्या, वो वन अधिकारों का ही एक सबसे बड़ा स्वरूप है जो आपके अधिकारों को रिकग्नाइज करता है कि साहब ये आपकी नितांत आवश्यकता है, और वन अधिकारियों का दायित्व है कि आपकी इस आवश्यकता को पूर्ण करें। तो ये वो प्रदेश है जो राइट्स भी एक शुरू से करता रहा है, और दोनों का कंप्लायंस प्राप्त करने के बाद अगर कहा जाए कि अतिरिक्त प्रबंधन लगेगा, हम प्रयासरत हैं, हमें उम्मीद है कि इससे भी हमें रिलीफ मिलेगी, उचित फोरम इस चीज़ को रिकग्नाइज करेगा कि ये वो प्रदेश है जिसने देश के लिए नहीं उपमहाद्वीप के लिए बलिदान दिए हैं, अपने अधिकारों के, अपने रिसोर्स यूज़ के, उसके ऊपर ऐसे प्रतिबंध लगाना कहाँ तक उचित है, क्योंकि इसको देख के बाकी प्रदेश भी अपने पाठ सीखेंगे कि यदि 20% प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क वाला प्रदेश, 66% फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर करने वाला प्रदेश इन कठिनाइयों से गुजर रहा है, तो बेहतर है हम कंजर्वेशन ना करें। और अगर ऐसा हुआ तो ये संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं विश्व के लिए बड़ा ही निगेटिव इम्पैक्ट करेगा, विशेषकर जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ल्ड फोरम में जाके बोला है कि 2070 तक नेट जीरो। और अगर हम अपने प्रयासों में लगे रहे जिस तरह लगे रहे, हिमाचल प्रदेश नेट जीरो नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश नेट माइनस होगा, जो दूसरे प्रदेशों को जिनके एमिशन नहीं कंट्रोल रहे हैं ऑफसेट करने में मदद करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उचित रिलीफ हिमाचल प्रदेश को मिलेगी, हम प्रयास करेंगे, हम जहाँ जहाँ जिन जिन फोरम पर जाना होगा जाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि कंजर्वेशन बिहेवियर को अगर रिवार्ड नहीं कर सकते तो उस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा के उसको पनिश ना किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट।